हेलो अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है फ्रेंड्स? खैरियत से आप लोग? ठीक ठाक हैं? परफेक्ट हैं, चलें अच्छी बात है। बेटा, लास्ट टाइम जो हम टॉपिक अपना कवर कर रहे थे वो प्रमोटेशन कंप्लीट कर रहे थे, और प्रमोटेशन में हम कहाँ तक पहुँचे थे? अपनी कंडीशन में हमने नंबर्स की जितनी भी कंडीशन थी वो सारी की सारी कंडीशन हमने कम्प्लीट कर ली थी, ठीक है ना? तो नंबर्स के हवाले से 0 से लेके 9 तक में जीरो को इन्वॉल्व रखना, जीरो को विदाउट विदाउट जीरो और जीरो नंबर को हमने इन्वॉल्व करते हुए हमने इसकी परमोटेशन अरेंज की, ठीक है ना? तो नंबरिंग वाइज जितने भी हमारी कंडीशन थी वो सारी की सारी हमारी क्या हो गई? कवर हो गई, जिसके अंदर हमारे नंबर जो है जीरो इन्वॉल्व हो तो भी और जीरो इन्वॉल्व ना हो तो भी, दोनों कंडीशन हमारी इन्वॉल्व कम्प्लीट हो चुकी है दोनों। अब जो हम मूव कर रहे हैं वो लेटर्स में मूव कर रहे हैं, ठीक है ना? तो लेटर्स की कंडीशन क्या होती है? जिस तरह से हमारे पास नंबर्स की कंडीशन थी बिल्कुल उसी तरीके से हम लेटर्स की कंडीशन पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है ना? तो अभी जो हम काम कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप जो है हमारा क्या है, वो व्हेन ऑल एलिमेंट्स आर डिफरेंट। कंडीशन क्या है हमारे पास? व्हेन ऑल एलिमेंट्स आर डिफरेंट, इट्स मीन के जो भी एलिमेंट्स आपको गिवन है वो सारे के सारे क्या हो? डिफरेंट हो। मैं लेटर्स की बात कर रहा हूँ, मैं अगर लेटर्स की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब यह हुआ कि जो भी वर्ड आपको दिया जाएगा उस वर्ड में जितने भी लेटर्स इन्वॉल्व हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, ठीक है ना? तो अब मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से वर्ड ऐसे हैं जिसके अंदर जो है वो उस वर्ड में लेटर रिपीट ना हो। मैं एक लेटर मैं कहता हूं पेंसिल, पेंसिल, तो पेंसिल के अंदर इस वर्ड में PENCIL ये जो स्पेलिंग है, इस स्पेलिंग में कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा। नेक्स्ट वर्ड मैंगो, मैंगो में भी हमारे पास जो है वो कोई भी MONGO, MANGO, मैंगो, तो इसका मतलब इसमें भी जो है हमारे पास जो है वो कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा। नंबर्स की बात करें, नंबर्स, वर्ड नंबर्स, मैं नंबर की बात नहीं कर रहा, 0, 1, 2, 3 की बात नहीं कर रहा, मैं वर्ड की बात कर रहा हूँ, नंबर्स, NUMBERS, इसमें भी कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा। ये वो तमाम कंडीशन है जिसके अंदर तमाम लेटर्स क्या है? डिफरेंट। एक और वर्ड है लेमन, लेमन, लेमन में भी हमारे पास जो लेटर्स हैं वो तमाम तमाम क्या है? डिफरेंट है। तो आज का टॉपिक जो है, अभी जो हम कर रहे हैं काम, वो किस पे हम काम कर रहे हैं? ऐसी वो तमाम कंडीशन पे जिसके अंदर लेटर्स क्या हो? डिफरेंट है। आपको मैं कुछ डिफरेंट टेक्निक सिखाऊंगा। पहले तो एक फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट टेक्निक से करेंगे, सेकंड क्वेश्चन जो सेकंड टेक्निक से करेंगे, ठीक है ना? तो आपको दोनों टेक्निक आपको समझ में आ जाएगी, फिर आप जो है आपको डिसाइड करें, आपको जो इजी लगे आप उसमें से अप्लाई करना, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट, साथ रहिएगा। क्वेश्चन रीड करें, कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड लेमन बी अरेंज। इट्स मीन कि लेमन जो वर्ड है इसको हम कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। तो अरेंजमेंट की बात आ रही है तो परम्यूटेशन की बात आ रही है। फर्स्ट थिंग इज दिस कि ये क्वेश्चन जो है वो आपका परम्यूटेशन क्या है, ये कॉम्बिनेशन क्या है, ये हमारी बड़ी कंफ्यूजन है इस मामले में। याद रखना, जब भी अरेंजमेंट की बात आती है ना तो अरेंजमेंट हम किस में करते हैं? परम्यूटेशन में करते हैं, ठीक है ना? ग्रुपिंग जिसमें करते हैं वो हम ग्रुपिंग जो करते हैं वो हम अपना कॉम्बिनेशन में करते हैं, ठीक है? तो ये चीज बड़ी हमें कंफ्यूज रहती है हमेशा कि सवाल पढ़ते हुए, सवाल में क्वेश्चन के अंदर जो भी दिया हुआ है वो आपको आपको जो टॉपिक है वो परम्यूटेशन से रिलेटेड है या फिर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है, इसमें बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है अरेंजमेंट की बात आ रही है, तो अरेंजमेंट की बात आ रही है तो इसका मतलब टॉपिक जो हुआ वो क्या हो गया? परम्यूटेशन का हो गया। अब परम्यूटेशन का जनरल फॉर्मूला क्या था? परम्यूटेशन का जनरल फॉर्मूला क्या था? ये फॉर्मूला हम पहले भी कर चुके हैं, नंबर वाली सीरीज में क्या था हमने, हमने कहा था NPR इक्वल टू N फैक्टोरियल डिवाइड बाय N माइनस R का होल फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के साइन को भी हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? हमारे जो स्टार्टिंग में जो हमारे बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, जो फ्रेंड्स हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे लाइनअप में हैं, वो हमारे पिछले लेक्चर्स को देखते रहे, तो उसके अंदर परम्यूटेशन को हमने 0 फैक्टोरियल को 1 हमने प्रूफ किया हुआ है, और किसी भी नंबर के साइन ऑफ फैक्टोरियल को हम
सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं वो भी हमने किया हुआ है, ठीक है ना। तो उसके लिए वॉच कीजिएगा हमारे प्रीवियस वीडियोस। यहाँ पे क्या है इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि एन जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, टोटल ऑब्जर्वेशन को। इस क्वेश्चन में, इस वर्ड में, इस वर्ड लेमन में टोटल कितने लेटर्स हैं? 5 LEMON, इट्स मीन 5 लेटर्स है, ठीक है ना। कहता है इनमें से ही, इनकी ही अरेंजमेंट में से और कितने वर्ड्स बन सकते हैं। स्टेटमेंट का मतलब ये है ना, स्टेटमेंट का मतलब क्लियर ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटमेंट के हिसाब से हमें मजीद और कितने टर्म बना सकते हैं, तो हमें तमाम के तमाम लेटर यूज करने पड़ेंगे, हमें तमाम के तमाम लेटर यूज करने करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो कंडीशन के हिसाब से ये हुआ कि जितने भी लेटर्स हैं वो सारे के सारे यूज होंगे, जितने एन है उतने ही आर होंगे। आर किसको बोलते हैं? सिलेक्टेड ऑब्जर्वेशन को। हमने नंबर सिस्टम के अंदर कंडीशन अप्लाई की थी, वो कंडीशन क्या थी याद? तो मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ रहा हूँ, इसके लिए आपका मतलब इस टॉपिक पे तो पूरा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है। हाउ इन हाउ मेनी वेज कैन टू डिजिट नंबर्स बी फॉर्म फ्रॉम द सीरीज, सीक्वेंस गिवन थी आपको, ठीक है ना। उनमें से हमें टू डिजिट निकालने थे, यहाँ पे लेटर्स में ऐसा नहीं आएगा, लेटर्स में ऐसा नहीं है। तो लेटर्स में क्या है, या तो सारे के सारे लेटर क्या है आपके पास डिफरेंट है, या फिर अगर कोई लेटर रिपीट हो जाता है तो केस डिफरेंट हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो अभी हम जिस केस की बात कर रहे हैं, हम जिस केस में बात कर रहे हैं, जिस कंडीशन में बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं किसके लिए, कि व्हेन ऑल एलिमेंट्स आर डिफरेंट। तो यहां तक तो बात क्लियर हो गई कि जितना एन है उतना ही आर है। तो अब इस कंडीशन में फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, एन की जगह पे क्या आ गया, 5 आ गया, और आर की जगह पे भी क्या आ गया, 5 आ गया। तो दोनों जगह पे 5 आ गया, इट्स मीन यहाँ भी 5 आया, 5 - 5 ये भी आ गया। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद ये हो गया कि भाई 5 को जो है वो उसका फैक्टोरियल रिमूव कर दिया। कैसे रिमूव कर दिया हमने, 5 को 1 तक एक्सटेंड कर दिया, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इस तरीके से हमने क्या कर दिया, हमने इसका साइन ऑफ फैक्टोरियल रिमूव कर दिया, ठीक है ना। डिवाइड में क्या बचा, 5 - 5, तो 5 - 5 क्या होता है, 0, और 0 का फैक्टोरियल 1 हम प्रूव कर चुके हैं अपनी क्लास में, ठीक है ना। हम मतलब इस लेक्चर के अंदर जो हमारी लिस्टिंग है परमुटेशन कॉम्बिनेशन की, उस लिस्ट में प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं इसको। तो अब सिंप्लीफाई करें क्या क्या हुआ, इसके बाद क्या आया, 120 आया, 5 × 4 = 20, 20 × 3 = 60, 62 × 120, 122 × 120, इट्स मीन आंसर इज 120 वेज। 5P5 का आंसर जो है वो बराबर किसके आ गया, 120 वेज के आ गया। ये चीज आपके कैलकुलेटर में भी होती है, आपके कैलकुलेटर में एक ऑप्शन है NPR का, ठीक है ना। तो उस कैलकुलेटर को यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वहां पर में कैलकुलेटर से भी हम ये जनरल फॉर्मूला कैलकुलेटर ऑपरेट करता है, और इस जनरल फॉर्मूले से हम ये आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा वो सवाल, वो क्वेश्चन जिसके अंदर तमाम लेटर्स जो थे वो क्या थे, डिफरेंट थे। क्लियर है ये बात, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई मसला? एक दफा पूरी स्क्रीन को सही से देख लें, इसमें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तमाम लेटर्स क्या है, डिफरेंट है, और डिफरेंट के लिए एन और आर क्या होगा, बराबर होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम इसी का कर रहे हैं कि व्हेन ऑल एलिमेंट्स आर डिफरेंट, इस स्टेटमेंट पे फोकस करना। मैं कह रहा हूं कि व्हेन ऑल एलिमेंट्स आर डिफरेंट, और मैं ये भी कह सकता हूं व्हेन ऑल एलिमेंट्स आर नॉट डिफरेंट। तो नॉट डिफरेंट की कंडीशन अलग है और डिफरेंट की कंडीशन अलग है। डिफरेंट का मतलब हुआ कि तमाम के तमाम लेटर्स क्या है वो डिफरेंट है, और अगर मैं कहूँ व्हेन ऑल एलिमेंट्स आर नॉट डिफरेंट, इट्स मीन के सारे के सारे लेटर्स जो है वो डिफरेंट नहीं है। तो फिर क्या मतलब हुआ कि कोई ना कोई लेटर जो है वो रिपीट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा होगा। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, जिस लेक्चर की बात कर रहा हूँ, आज हम जिस लेक्चर की बात कर रहे हैं वो हम किसकी बात कर रहे हैं, व्हेन ऑल एलिमेंट्स आर डिफरेंट की। तो इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि एक नंबर है, ये वर्ड नंबर है, ये नंबर नहीं है, ये वर्ड नंबर है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है क्लियरली, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड नंबर्स बी अरेंज्ड, ठीक है ना। तो नंबर्स भी अरेंज के अंदर, ये जो नंबर्स है इसके अंदर लेटर कितने, लेटर कितने, एन
यू एम बी ई आर एस, इट्स मीन कितने हो गए आपके, 7 नंबर्स हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे एन की वैल्यू जो है, ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया आपका परमुटेशन का, एन की वैल्यू जो है वो कितनी है, 7 हो गई। और सिलेक्ट भी उतने ही करने जितने सवाल के अंदर कह रहा है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे कोई फिक्सिंग नहीं हो रही है, फिक्सिंग के लिए कंडीशन अलग होती है। अगर कोई लेटर्स फिक्स कर दिया जाए उसकी कंडीशन बिल्कुल अलग है। कराची बोर्ड में वो चीज नहीं है, लेकिन फेडरल बोर्ड में ओ लेवल के अंदर वो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और जो है उसको, उसके ऊपर भी काम करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने कहा एन आर हो गया, और एन जो है वो 7 हो गया, आर जो है वो भी 7 हो गया। अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताओ आप, क्या यहाँ पे एन जितना है उतना ही आर है? जितना यहाँ पे एन है आर भी उतना ही है। तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या हुई, एक ऐसी कंडीशन हो गई कि इस कंडीशन पे अगर जब भी कभी भी एन की वैल्यू और आर की वैल्यू क्या हो, सेम हो, जब भी कभी भी एन की वैल्यू और आर की वैल्यू क्या हो, सेम हो, तो आपने क्या करना है, वी कैन अप्लाई द टेक्निक। वो टेक्निक क्या है, वो फॉर्मूला क्या है, पी इक्वल टू एन फैक्टोरियल, जस्ट पी इक्वल टू एन फैक्टोरियल। क्यों, क्या ये मैंने अपने पास से लेके आ रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल अपने पास से लेके नहीं आ रहा। आप जनरल फॉर्मूला देखें, इसको जनरल फॉर्मूला से कंपेयर करें, आपका लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, पी, ये पी है 0, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में अगर दोनों वैल्यू सेम है, 7 7 है, तो 7 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 का फैक्टोरियल क्या बचेगा, 1। इसका मतलब नीचे तो 1 बचा, तो ऊपर न्यूमिनेटर में क्या है, न्यूमिनेटर में आपके पास क्या लिखा हुआ है, एन फैक्टोरियल। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन जहां पे एन और आर की वैल्यू क्या हो, सेम हो, वहां पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला ये अप्लाई कर सकते हैं, पी इक्वल टू एन फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो देखते हैं पी इक्वल टू एन फैक्टोरियल के हिसाब से आंसर क्या आ रहा है। एन कितना था, 7 था, तो 7 को सिंप्लीफाई कर देंगे कहाँ तक, 1 तक कर देंगे, और फिर 1 तक सब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे आपस में दूसरे को, तो फिर ये जो है आंसर शो करेगा कितना, 5040 वेज। देखो वेज जरूर लिखना, क्योंकि सवाल क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड नंबर बी अरेंज, कितने तरीके का है, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, ये हम आपको यहाँ पे शो करनी है। तो इट्स मीन 5040 पॉसिबिलिटीज हैं कि इन लेटर में से इतने वर्ड्स बन सकते हैं, ठीक है ना। तो बेटा मेरे ख्याल से यहाँ तक टॉपिक आपका क्लियर है, कोई मसले वाली बात। तो आज की क्लास में आपने क्या सीखा, आपने सिर्फ ये सीखा कि अगर डिफरेंट नंबर्स हो, डिफरेंट लेटर्स हो, तो फिर आपने क्या करना है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम ये करेंगे कि अगर कोई लेटर रिपीट कर जाता है, अगर कोई लेटर रिपीट करेगा तो फिर हम कंडीशन क्या होगी, अगर कोई भी एक भी लेटर अगर रिपीट हो रहा है ना, तो फिर टॉपिक क्या हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं अगर कहता हूँ बुक, BOOK, बुक, या बुक्स, BOOKS, बुक्स, इट्स मीन ओ रिपीटेड है। अब ये ओ रिपीटेड अगर हो गया ना, तो इसका मतलब कंडीशन चेंज हो गई, अब ये केस नंबर 1 नहीं रहा, व्हेन ऑल एलिमेंट्स आर डिफरेंट नहीं रहा, अब ये क्या होगा, व्हेन ऑल एलिमेंट्स आर नॉट डिफरेंट, ठीक है ना। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और फिर उसको वहीं यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और फिर इंशाल्लाह उस वक्त अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।